चक्रवात बिपरजॉय पर केंद्र सरकार का एक्शन। प्रधानमंत्री आज दोपहर 1 बजे चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए करेंगे बैठक। तूफान के 15 जून की दोपहर तक कच्छ तट को पार करने की संभावना। मौसम विभाग ने 15 जून तक अरब सागर में मछली पकड़ने का कार्य पूरी तरह से स्थगित करने की दी सलाह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चल रही G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए किया संबोधित। का ग्लोबल साउथ देशों के लिए विकास अहम मुद्दा। बैठक में लिए गए फैसले मानवता के लिए काफी महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री ने कहा, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करना हमारा साझा दायित्व। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, सतत विकास लक्ष्यों के पूरा करने के लिए ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार की जरूरत। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से पुणे में। डिजिटल बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था जैसे प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा। वहीं गोवा में आज से सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक की भी शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की बैठक में हिस्सा लेंगी। 75 समूहों के सदस्य चर्चा में होंगे शामिल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत तमाम गणमान्य रहेंगे उपस्थित। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर। हमीरपुर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे सियासी मंथन। वहीं नूरपुर में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं DD न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और शुरुआत बड़ी खबर से। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर केंद्र सरकार पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। प्रधानमंत्री आज दोपहर 1 बजे चक्रवात बिपरजॉय से संबंधित स्थिति की समीक्षा के लिए बैठक करेंगे। साइक्लोन बिपरजॉय गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तटों के लिए चक्रवात के संबंध में एक अलर्ट जारी किया। तूफान वर्तमान में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर की ओर बढ़ रहा है और 15 जून को दोपहर तक सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के साथ साथ पाकिस्तान के निकटवर्ती तट को पार करने की आशंका है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ तट के लिए चक्रवात का अलर्ट जारी किया। इसके 14 जून की सुबह तक उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। फिर यह उत्तर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेगा और सौराष्ट्र और कच्छ को पार करेगा। 15 जून की दोपहर तक गुजरात के मांडवी और पाकिस्तान के कराची के बीच के तटों को पार करने की संभावना है, जहां हवा की गति 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, जामनगर, मोरबी, राजकोट, जूनागढ़ और पोरबंदर जिलों के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें 14 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट और 15 जून के लिए रेड अलर्ट शामिल हैं। भारतीय तट रक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम ने गुजरात, दमन और दीव के मछली पकड़ने वाले समुदाय, नाविकों और हितधारकों को आवश्यक सावधानी और सुरक्षा उपाय करने की सलाह देने के लिए उन तक पहुंचने का काम शुरू कर दिया। भारतीय तटरक्षक इकाइयां समुद्र में जहाजों के लिए नियमित एडवाइजरी भी जारी कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में हो रही G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया। वीडियो संदेश के जरिए अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विकास ग्लोबल साउथ का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में कोई भी देश पीछे ना छूटे। डेवलपमेंट इज ए कोर इश्यू फॉर द ग्लोबल साउथ। द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ वेर सीवियरली इंपैक्टेड by the disruption created by the global COVID pandemic. In such circumstances,
द डिसीजंस यू मेक कैरी ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमैनिटी एज अ होल. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इट इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू लेट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फॉल बिहाइंड. वी मस्ट एंश्योर दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड. प्रधानमंत्री ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों को लेकर हमारे प्रयास समावेशी और निष्पक्ष होने चाहिए. उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों को उन सभी देशों को वित्त उपलब्ध करवाना चाहिए जो इसके लिए योग्य हैं. आवर एफर्ट्स मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूसिव फेयर एंड सस्टेनेबल. वी शुड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट in fulfilling the SDGs and find solutions to address the debt risk faced by many countries. Multilateral financial institutions should be reformed to expand the eligibility criteria, ensuring that finance is accessible to those इन नीड. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिजिटल व्यवस्था की वजह से क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिला. उन्होंने कहा कि भारत सहयोगी देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए तैयार है. हाई क्वालिटी डेटा इज क्रिटिकल फॉर मीनिंगफुल पॉलिसी मेकिंग एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड effective public service delivery. Democratization of technology is an important tool to help bridge the data divide. In India, digitalization has brought about a revolutionary change. Technology is being used as a tool to empower people, make data accessible and ensure inclusivity. India is willing to share its experience with partner countries. I hope that your discussions will result in tangible action to promote data for discourse, data for development and data for delivery in developing countries. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी G20 समूह के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार करके ही सतत विकास लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है. As we redouble efforts to rescue the SDGs and offer relief to those most in need, we also need to speak of the revival and reform of institutions and systems which will deliver on these goals. Reforming the global governance architecture and reviving global decision making to be more representative are fundamental for building a future where truly no one is left behind. Such efforts will facilitate development models wherein no region, no country, and no individual will be left behind. These efforts will enable human-centric globalization without creating climate crisis or debt crisis. विदेश मंत्री ने अपने संबोधन में G20 को लेकर भारत के लक्ष्यों के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि भारत ने G20 के लिए महत्वाकांक्षी 7 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है जिसके तहत 3 प्रमुख एजेंडे रखे गए हैं. इंडिया has put forward an ambitious 7-year action plan for accelerating progress on SDGs, which present a coordinated, integrated and inclusive roadmap for G20 actions. The action plan not only galvanizes a strong SDG commitment, a strong G20 commitment to the development agenda, but also puts forward transformative actions on the 3 core agendas. And these are: 1,
bold, decisive actions on fostering data for development and digital public infrastructure. 2, investing in women-led development not only helps to accelerate progress across all the SDGs, but it also delivers results on the ground for all sections of society. And 3, securing globally just transitions will help ensure the future survival of the planet. G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्यकारी समूह की 3 दिवसीय बैठक आज से पुणे में शुरू हो गई। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में 3 प्रमुख मुद्दों डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, डिजिटल सार्वजनिक अर्थव्यवस्था में सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर विचार विमर्श किया जाएगा। G20 देशों के सदस्य, अतिथि देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्राथमिकता पाने वाले क्षेत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। As we look towards partnerships as the ones that we just signed today, we see this DPI structure evolving and innovating even further and accelerating even further with the advent of technologies like artificial intelligence, language models, and therefore I think the partnership that we are now today proposing around the DPI is truly a partnership that is win-win for all of those nations around the world that have in a sense lagged digitalization all these years. NIA ने आतंकी फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा के कछवारी और बगाठपोरा गांव में छापेमारी की। NIA ने कुपवाड़ा जिले में आतंकी फंडिंग मामले में आरोपी जहूर अहमद शाह वटाली के नाम पर 3 अचल संपत्तियों को कुर्क किया। कश्मीरी व्यवसायिक एजेंसी ने 2017 में गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों में वटाली के नाम की जमीन भी शामिल है। एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल मई में वटाली और अन्य के खिलाफ 2017 में जम्मू कश्मीर में कथित आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े एक मामले में आरोप तय किए थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान जेपी नड्डा नूरपुर के जिला भाजपा कार्यालय जाएंगे, जहां से वो 2 जिला भाजपा कार्यालयों का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। अपने दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जसूर चौक में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर कांगड़ा में माता ज्वाला जी मंदिर और माता ब्रजेश्वरी मंदिर के भी दर्शन करेंगे। इसके अलावा भाजपा अध्यक्ष आज हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात करेंगे। साथ ही जेपी नड्डा हमीरपुर में कोर ग्रुप के साथ भी बैठक करने वाले हैं। बात करते हैं अब झारखंड की, जहां बढ़ती गर्मी और लू के कारण राज्य के सभी स्कूल 12 से 14 जून तक के लिए बंद रहने वाले हैं। भीषण गर्मी के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया, जिस वजह से राज्य सरकार की ओर से गर्मी की छुट्टी को बढ़ाने का आदेश जारी किया गया। पहले 12 जून से सभी स्कूल खुल रहे थे। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई में होने वाली क्षति की भरपाई को लेकर अलग से निर्णय लेते हुए ये सूचना दी। सीमा सुरक्षा बल ने अमृतसर के शैदपुर कला गांव में एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया। सीमा सुरक्षा बल के मुताबिक उन्हें ये क्वाड कॉप्टर मॉडल का ड्रोन टूटी हुई हालत में मिला। और अब बात नदियों की, जो कि भारत की सभ्यता है और संस्कृति की रीढ़ भी। दुनिया की तमाम सभ्यताएं नदियों के किनारे ही पली बढ़ी हैं और ये मानव समाज की जननी है। लेकिन बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण कई नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना का जल बेहद प्रदूषित हो चला है। हाल ही में दिल्ली में वजीराबाद से कालंदी कुंज के यमुना तट पर यमुना संसद द्वारा यमुना बचाओ जीवन बचाओ नाम से आंदोलन हुआ। 1 लाख से ज्यादा दिल्ली वासियों ने यमुना बचाने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई और यमुना के प्रति जागरूकता अभियान चलाया। प्राचीन काल से ये नदियाँ और कलकल निनाद करता हुआ देवी जल ही है, जो मनुष्य और धरती का माँ की तरह भरण पोषण करती है और प्यास बुझाती है। नदियों की वजह से सभ्यताएं पनपती है, बस्तियाँ बसती है, मनुष्य जीवन की अंतिम यात्रा भी इनकी गोद में खत्म होती है। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि जो सृष्टि का आधार है और जिसे लक्षणों से सचिदानंद स्वरूप कहा जाता है, उपनिषदों ने जिसका ब्रह्म रूप में गायन किया, वही परम तत्व साक्षात यमुना है। पवित्र धाम यमुनोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से 1 किलोमीटर दूर स्थित चंपासर ग्लेशियर से यमुना नदी का मूल उद्गम स्थल है।
चंपासर ग्लेशियर, जिसे कलिंद पर्वत भी कहा जाता है, यहीं से उद्गम होने के कारण यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। यमुना नदी का प्रवाह मुख्यतः उत्तरकाशी से होकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली तक है, जो 3,45,000 किलोमीटर की भूमि को सिंचित करती है। दिल्ली में यमुना बचाओ जीवन बचाओ के जन आक्रोश ने एक बार फिर दिल्ली की सत्ता और विपक्ष को दिल्ली वासियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करने हेतु गंभीरता से निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया है। नदियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु राष्ट्र चिंतक के एन गोविंदाचार्य ने कोरोना काल से तकरीबन 2 वर्षों तक विभिन्न नदियों की पदयात्रा की। उद्देश्य साफ है, भारत के अस्तित्व का केंद्र नदी संस्कृति का बचाओ, दिव्य जल का बचाओ। यमुना जी देश की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में एक मानी जाती है, वैसे ही नदियों की दुर्दशा है। उसमें यमुना जी का औद्योगिक और रासायनिक प्रदूषण, सीवेज का प्रदूषण, ये सबसे बड़ी समस्या गहराई से है। इसलिए यमुना जी के लिए जनता दिल्ली की खड़ी हो गई है। उसमें भेदभाव किसी तरह का न रखते हुए सभी लोग यमुना जी के लोग हैं, ऐसा चित्र यहाँ बन रहा है। माँ यमुना यानी यमी सूर्यदेव की पुत्री, मृत्यु के देवता यमराज और न्याय के देवता शनिदेव की बहन है तथा श्री कृष्ण की पटरानी है। माँ गंगा यानी मानव के मोक्ष एवं निवारण का प्रतीक है, तो माँ यमुना अथाह प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। श्री कृष्ण व्रज संस्कृति के जनक है और यमुना व्रज की जननी। यमुनोत्री से हथनी कुंड बैराज तक के यमुना नदी का जल स्वच्छ रहता है, परंतु मथुरा तक पहुँचते ही प्राणियों को जीवन दान देने वाली यह यमुना नदी मृत दिखाई देती है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र से गुजरते हुए वहाँ के प्रदूषण में अपना अस्तित्व खो देती है। दिल्ली प्रवेश करते ही यह नदी गंदे नाले के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह जाती। दिल्ली के लाइफलाइन है, और अगर यमुना नहीं बचेगी तो दिल्ली का भी बचना मुश्किल हो जाएगा। ये नेचर है, अपनी व्यवस्था है इसका। तो दिल्ली का जो इकोलॉजी है उसमें यमुना जी का जो महत्व है, ये समाज को भी समझना है और सरकार को भी समझना है, जो अभी तक अनदेखी किया गया है। हम यमुना जी का प्रयोग तो कर रहे हैं, लेकिन यमुना जी स्वस्थ कैसे रहें उसके संदर्भ में हमारी बिल्कुल ही दृष्टिकोण नहीं है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें अगर यमुना जी को पूरी तरह से अविरल और निर्मल नहीं बनाया गया तो आने वाले 5 समय में दिल्ली के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एक ये जागरूकता अभियान है, जिसे समाज भी जगे और सरकार भी जगे, कि ये किसी दल की ज़रूरत नहीं है, ये समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और समाज आगे सत्ता पीछे तभी होगा स्वस्थ विकास। यमुना संसद द्वारा आयोजित यमुना बचाओ जन अभियान के तहत दिल्ली के वजीराबाद से कालिंदी कुंज के यमुना तट पर 1500 से अधिक संगठनों के 1,00,000 से ज्यादा लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और यमुना नदी की स्वच्छता के प्रति दृढ़ संकल्पना के साथ जागरूकता अभियान चलाया। भारतीय संस्कृति के अंदर नदियों को माँ कहा जाता है, तो वो माँ की पवित्रता बनी रहे और इस राष्ट्र का वैभव पुनः लौटे। हिमालय की कंदराओं से सदियों से बहती हुई नदियाँ गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी और अन्य भारतवर्ष के पुरातन सभ्यताओं और संस्कृतियों के गौरव गाथा की गवाह है और रहेगी। जीवंत नदी है तो जीवंत मानव है और जीवंत प्रकृति भी। किरण झा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कहते हैं कि हर उम्र में हमारे शरीर के लिए जरूरी है पोषक तत्व। वृद्धावस्था में बेहतर स्वास्थ्य के लिए पोषण की क्या उपयोगिता है, कैसे इस पोषण की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। पोषण का महत्व वैसे तो सभी आयु के लोगों के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण मिलना और भी आवश्यक हो जाता है। वृद्धावस्था बेहद महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें पोषण का महत्व बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ पोषण की आवश्यकता भी अलग हो जाती है, इसलिए आहार कैसा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। इनका लाइफ बिना बीमारी के रहे, ये लोग लंबे टाइम तक हमारे साथ रहें, तो इनका आहार पे हमें स्पेशल ध्यान देना चाहिए। और इस दौरान जो हम केयर एक छोटे बच्चे की करते हैं, उसी तरह से बुजुर्ग की केयर करनी चाहिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, जो कि स्पेसिफिकली अनसैचुरेटेड फैट का मात्रा, उसी हिसाब से देते हैं जैसा कि इसे इसके हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है। बढ़ती उम्र के कारण शरीर में क्षय की गति बढ़ जाती है, शारीरिक सक्रियता कम हो जाती है और शरीर की कार्य क्षमता कम होने लगती है।
ऐसे में पोषक तत्वों की कमी की संभावना बढ़ जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इनके आटे आटा जो गेहूं का यूजली हम यूज करते हैं उसके बजाय मल्टीग्रेन आटा इन लोगों को दिया जाए और दालों का सेवन भी प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दालें बीच बीच में यूज करें। हरी फल सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां जो कि ताज़ी सब्जियां हैं, सीजनल हैं, और सीजनल फ्रूट्स यानी कि फल जो सीजन वाले हैं वो इनको ज़रूर देने चाहिए। इसके साथ ही में विटामिन डी और कैल्शियम का काफ़ी लंबे टाइम तक धूप में ना जाने की वजह से या कम दूध और दूध से बनी चीज़ें कम लेने की वजह से उसकी मात्रा हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना रहती है। तो इनमें दूध और दही का सेवन रेगुलरली यूज़ किया जाना चाहिए। बुजुर्गों के लिए भोजन ऐसा होना चाहिए जो आसानी से पच सके, साथ ही उन्हें सभी पोषक तत्व पूर्ण रूप से मिल सके। बढ़ती उम्र में अपने पोषण पर विशेष ध्यान दें जिससे स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा कम हो, पोषण की कमी की संभावना ना हो और आप स्वस्थ रह सकें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और फिलहाल समाचारों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।